नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बड़े से लेकर छोटे नेताओं को स्पेशल टास्क दिया जा रहा है और उन्हें पाठ पढ़ाया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरा जा सके। इस बीच बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सांसदों को स्पेशल टास्क दिया। दरअसल उन्होंने सभी सांसदों को ये आदेश दिया है कि अपने अपने पंचायत में, मतलब करीब 60-60 पंचायतों में उनको दौरा करना है और इसके साथ वहां से एक रिपोर्ट बनानी है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा और किस सीटों पर से कौन से उम्मीदवार को उतारा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के तमाम दलों के द्वारा चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए तरह तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है। डिजिटल तौर पर स्ट्रॉन्ग होने की दावा करने वाली बिहार बीजेपी सांसदों को अब भौतिक तौर पर अपने इलाकों की 60-60 पंचायतों का भ्रमण करना होगा और इसका सीधा मकसद है कि पार्टी के निचली इकाइयों के नेता और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर संभावित प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक तैयार करना। हालांकि सूत्रों का कहना है कि संभावित प्रत्याशियों को लेकर भाजपा अपने स्तर से सर्वे करा चुकी है, लेकिन कोरोना काल में चुनाव की चुनौती को देखते हुए नए नए हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। शनिवार को लगभग 2 घंटे तक नड्डा ने भाजपा के सांसदों के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से लग जाने को कहा। भाजपा अध्यक्ष ने सांसदों को ये आश्वस्त किया कि चुनाव में उनकी राय को प्रमुखता दी जाएगी। मतलब साफ है कि लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सारे विधानसभा सीटों पर पार्टी के सांसद संभावित प्रत्याशियों को लेकर अपनी राय रखेंगे, यानी कि टिकट बंटवारे में सांसद की रिपोर्ट को तरजीह दी जाएगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सांसदों को ये निर्देश दिया गया कि क्षेत्र में जाकर पीएम की मन की बात लोगों के साथ बैठकर सुने। इतना ही नहीं, सितंबर में, अक्टूबर में होने वाले पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में भी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में ही रहकर भाग लेने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि सितंबर महीने में ही पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, जिसे पार्टी धूमधाम से मनाने पर विचार भी कर रही है। दिल्ली में शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिहार भाजपा के सांसदों के साथ बैठक की और इसमें ये भी कहा कि क्षेत्र विशेष में किस दल के कौन से नेता जिताऊ हो सकते हैं। पंचायत भ्रमण के दौरान सांसद इसकी रिपोर्ट पार्टी को समर्पित करेंगे और सीट बंटवारे में सांसदों की ओर से दी गई इस रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। पंचायतों का दौरा सभी सांसद को करेंगे और एक सवाल के जवाब में जीतन राम मांझी के एनडीए में आने का स्वागत किया और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी काम करना चाहे भाजपा उनका स्वागत करती है। सीट शेयरिंग के सवाल पर संजय जायसवाल ने कहा कि अभी इस मसले पर बातचीत नहीं हुई है और आने वाले दिनों में पार्टी के एनडीए के वरिष्ठ नेता आपस में मिलजुल कर ये फैसला लेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब भाजपा के सभी नेता वॉकिंग मोड में आ गए हैं और साफ तौर पर जगत प्रकाश नड्डा ने सभी को आदेश तक दे दिया है कि 60-60 पंचायतों का भ्रमण कीजिए, वहां से रिपोर्ट समर्पित कीजिए और उसी रिपोर्ट के आधार पर हम सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। उम्मीदवारों का चयन भी उसी रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। तो बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।